दिनों हम गुजरांवाला में थे, तो वहां पर हमने एक छोटा सा किताबचा आपस में पढ़ा, परदेसी या मुसाफिर, जो हदीस आपने पढ़ी थी, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब नो आबिर सबीलन, उस पर बेस्ड। तो क्लास के बाद फिर कुछ लोगों ने आके अपने तासरात का इजहार किया, तो उसमें एक नर्स थी जिन्होंने एक ट्रक ड्राइवर की वफात का जिक्र किया, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में एज ए स्टाफ नर्स ड्यूटी कर रही हूँ। और बचपन से ही तकरीबन मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने जब से अलखुदा का नाम सुना था, मेरा एक शौक था कि मैं अलखुदा में पढ़ूँ। तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि मैंने ऐसे एक बैनर पढ़ा है, तुम कहती हो मैंने अलखुदा में ही पढ़ना है, मैंने अलखुदा में ही पढ़ना है, तो वो अलखुदा का बैनर था। तो मैं जब से अलखुदा में आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरे में बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। आज के लेसन से जो बात हो रही थी वो ये कि जो बंदा सोचता है या जो उसके दिल में होता है वो वहीं पे बंद कर दिया जाता है। तो हमारे पास एक पेशेंट आया था सरगोधा से, वो ट्रक ड्राइवर था, पता नहीं उसको डाकुओं ने क्यों मारा या वल्ला आलम जो भी उसके साथ हुआ, लेकिन पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में आया। मेरी ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी थी, वो ऑपरेट हुआ, 2 दिन वो आईसीयू में रहा, वेंटिलेटर पे पेशेंट डला रहा। उसके बाद वो ठीक हुआ, कुछ कुछ बोलना शुरू हुआ, तो एकदम से ना उसकी सेचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो गई, उसकी ब्रीदिंग कम होती जा रही थी। तो वहां जो स्टाफ थी वो आई आके कहती है मेरा पेशेंट बहुत सीरियस है, तो तुम लोग मेरे पास हेल्प के लिए आ जाओ। हम लोगों ने कहा चलें ठीक है, हम लोग गए, फिर वापस आ गए, पेशेंट कुछ स्टेबल था, गए, हम लोगों की अपनी ड्यूटी थी। तो बाद में उन्होंने नेक्स्ट डे, एज अ ह्यूमन बींग एक हमदर्दी थी दिल में, क्योंकि उसके घर वाले भी नहीं पहुंचे थे उस पेशेंट के, कोई उसको जानता नहीं था वो कौन है। तो मैंने कहा आपका पेशेंट कैसा है, तो उन्होंने मुझे जो बात बताई वो आज तक मुझे भूली नहीं है। वो कहती है कि रात ही जब मैं दोबारा गई, तुम लोग बिजी थे, तो वो जो पेशेंट था वो दोबारा सीरियस हो गया। कहते हैं मुझे उस पेशेंट ने कहा है भाजी कलमा पढ़े, तो कहते हैं मैंने कहा कि भाई तुम खुद कलमा पढ़ो, तो वो पेशेंट कहता है मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, कोई कलमा पढ़े ना। तो तब तक ना उसके कुछ जानने वाले आ चुके थे लेकिन उसके घर वाले नहीं पहुंचे थे, तो वो जो उसके पास 2 लोग बैठे थे, लड़के थे वो, तो वो उन्हें कहता है यार तुम लोग ही कलमा पढ़ो ना। तो कहते हैं कि वो आगे से कहते हैं कि लोग तो कलमा तब पढ़ते हैं जब किसी की मौत आ रही होती है, तो हम क्यों तुम्हारे पास कलमा पढ़े। ये मैं सोच की बात कर रही हूँ, और उस इंसान की ख्वाहिश आज तक मुझे हैरत होती है कि वो पता नहीं कैसा अल्लाह का बंदा था। कहते हैं कि उसने कम अज कम 10 दफा ये ख्वाहिश किया कि कोई बंदा कलमा पढ़ो, कोई बंदा कलमा पढ़ो, और कहते हैं कि मेरे देखते देखते 100, 90, 80, even 10 to 0 पे उसकी सेचुरेशन आ गई, पेशेंट एक्सपायर कर गया, लेकिन किसी ने उसके पास कलमा नहीं पढ़ा। और कहते हैं कि जब उसने बार बार कहा कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, मुझे आ नहीं रहा, वो ये भी कहता रहा मुझे आ नहीं रहा, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। तो इवन हम लोग ये खुद देखते हैं कि 40-50 तक सेचुरेशन जाने के बाद पेशेंट बोल नहीं सकता। कहते हैं वो 10 सेचुरेशन तक वो पेशेंट बोलता रहा है कि कोई मेरे लिए कलमा पढ़ दो, कोई मेरे लिए कलमा पढ़ दो। कहते हैं फिर एंड पे बाजी कहते हैं मैं उसके पास गई हूँ इंजेक्शन लगाने के लिए, तो उसने ऐसे मुझे पकड़ के कहा बाजी तुम मुसलमान नहीं हो। तो कहते हैं मेरे जहन में ये था कि खुदा ना हंसता इसमें कोई शैतान है जो इस तरह से, ये मैं एक फीमेल हूँ, ये एक मेल है, मुझे ऐसे टच कर। कहते मैंने गुस्से से कहा छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो। तो कहता है बाजी मुझे लगता है तुम वाकई मुसलमान नहीं हो, तुम कलमा पढ़ो। तो ये चीज अभी तक मुझे ना उस पेशेंट की शक्ल भूलती है ना वो बाजी की बताई बात भूलती है। बाजी कहते हैं उसके बाद सारा दिन मैं घर जाके रोती रही जब वो पेशेंट एक्सपायर हो गया कि देखो हम लोग कैसे मुसलमान है कि एक बंदा मरने में कलमे की ख्वाहिश करता रहे। लेकिन एक तो इसमें ये चीज आ जाती है कि हम लोगों के कलमा तब पढ़ा जाता है जब मौत आ रही होती है, या सूरह यासीन तब पढ़ते हैं जब मौत आ रही होती है। तो कहते हैं मैं सारा दिन रोती रही कि वो बंदा कलमे की ख्वाहिश करता करता मर गया और हम सब मुसलमान वहां बैठे थे और किसी ने उसके लिए कलमा नहीं पढ़ा। ये जहालत की हालत है, ये उन लोगों का हाल है जिनके सामने दिन रात मरीज बहुत होते हैं आईसीयू में, बहुत कम लोग वहां से निकलते हैं। मैं बहुत देर तक सोचती रही कि वो खुद क्यों ना पढ़ सका कलमा, वो दूसरों को कहता रहा, वो खुद नहीं पढ़ सका। मरने वाले पे क्या गुजरती है तो मरने वाला ही जानता है, हम उस कैफियत का अंदाजा ही नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ुकत वो तकलीफ इतनी शदीद होती है कि उसका दिमाग माऊफ हो जाता है। इस पर एक और बच्ची आई और वो कहने लगी कि उसका ऑपरेशन था और जब डॉक्टर ने कहा कि कलमा पढ़ो तो वो कलमा उसको याद नहीं आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा लास्ट टू लास्ट ईयर नाक का ऑपरेशन था और मैं ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले या हयू या क्यूम बिरहमती का अस्तवीज पढ़ती गई थी, लेकिन मेरी रूटीन में अस्तफिरल्ला नहीं है इतना कलमा पढ़ना। तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे लेटी तो मैंने सोचा कि मैं कलमा पढ़ लूँ,
لیکن اس ٹائم دماغ اتنا معاف ہو گیا تھا کہ میرے ذہن میں کلمہ نہیں آ رہا تھا. اتنے یعنی کہ میری وینز غائب ہو گئی, میں سفید ہو گئی, کہ جس طرح بندے کے حواس نہیں قائم رہتے, کہ مجھے اس بندے کا خیال آ رہا تھا کہ موت کی شاید ڈر کی وجہ سے, اس سختی کی وجہ سے اس کے ذہن سے کلمہ تک نکل گیا جو ہم پہلی چیز سیکھتے ہیں. صرف میری زبان پہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث تھا, وہی میرے ذہن میں پہلے آیا, میں نے وہ پہلے پڑھا اور پھر مجھے کلمہ یاد آیا, آیت الکرسی یاد آئی. کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو چیز ہم روٹین میں پڑھتے رہتے ہیں وہ ہمیں بہت سخت وقت میں بھی یاد آ جاتی ہے, لیکن جو چیز ہماری روٹین میں نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں یاد آتی. ایک اور پیشنٹ تھی جن کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا, وہ اپنے بارے میں بتاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تین سال ہو گئے ہیں میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور میں ذکر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی قرآن پاک میں بہت طاقت ہے. چار ماہ ہو گیا میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا. ہارٹ کے آپریشن کے دوران ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اندر آئیں, میں اندر گئی ہوں, میں نے کلمہ پڑھا ہے, قرآن پاک پڑھا ہے, میرے ساتھ تھا چھوٹا قرآن پاک. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا بے ہوش کرنے لگے ہیں, کلمہ پڑھی. کلمہ ایسے جیسے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے. بچے تھے چار چھوٹے چھوٹے, اللہ سے یہی دعا کی, اللہ میرے چار بچے ہیں, مجھے زندگی دینا, صحت دینا. ساتھ ساتھ پڑھتی رہی ہوں, پڑھتی رہی ہوں. آپریشن اسٹارٹ کیا انہوں نے, 8 گھنٹے بعد مجھے باہر لے کے آئے. دیکھیں یہی بتا رہی ہوں کہ اللہ کی کلام میں کتنی برکت ہے, قرآن پاک ساتھ ہی رہا ہے. 10-15 منٹ بعد مجھے ہوش آ گئی ہے. اس کے بعد بیڈ پہ مجھے لٹایا ہے اور میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں. ڈاکٹر نے کہا نہیں ابھی نہیں پڑھنی. میں نے کہا نہیں, میں نے اٹھ کے پڑھنی ہے. یورین بیگ میں نے اتروا دی ہے, نماز پڑھی ہے, اللہ کا ذکر کیا ہے اور اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں. بیٹھنے کے بعد پھر میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں عصر کی, پھر میں نے نماز پڑھی ہے. اور اس کے بعد پھر ذکر کرتی رہی ہوں ساتھ ساتھ, ہر بیڈ پہ میں گئی ہوں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں. اس کے بعد میں خود اٹھ کے چلی ہوں. ٹھیک 10 گھنٹے بعد, اتنا بڑا میرا ہارٹ کا آپریشن تھا, لیکن اللہ نے مجھے شفا دی ہے صرف اپنی کلام کے صدقے, اپنے قرآن پاک کے صدقے. اور یہ میری ساری بہنوں سے التجا ہے کہ قرآن پاک کو سینے میں بند کر لیں اور ساتھ سے یاد کریں اور اللہ کا بہت ذکر کریں. شکریہ, جزاک اللہ. ایک کے بعد ایک شخص جو آ رہا تھا وہ اسی تجربے کا ذکر کر رہا تھا کہ عین اس وقت بدحواسی میں یا تکلیف میں یا خوف کے مارے کلمہ یاد نہیں آ رہا تھا. تو حسن خاتمہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. اچھا خاتمہ, لا الہ الا اللہ پر خاتمہ, ایمان کے ساتھ خاتمہ, اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا, یہ ہم سب کی بہت بڑی تمنا ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے. جانے والے کے لیے بھی کلمہ پڑھنا اور خود اپنے لیے کلمہ پڑھنے کی عادت اور اس وقت پڑھنے کی دعا کرنا, یہ بھی ہماری دعاؤں کا ایک حصہ ہونا چاہیے.